तो दोस्तों क्या होता है YouTube में, जब आप YouTube में वीडियो अपलोड करते हो और वीडियो अपलोड करने के बाद म्यूजिक में हो जाता है कॉपीराइट, तो कॉपीराइट आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि आप जानते होंगे हर एक म्यूजिक का अपना कॉपीराइट होता है, वो अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो उसका सारा क्रेडिट उस म्यूज़िक पे चल जाता है, क्योंकि आपके वीडियोस पे इफेक्ट नहीं आएगा, बट क्या है कि कॉपीराइट आने से आपका जो शेयरिंग होता है वो उस कॉपीराइट पे चला जाएगा। तो दोस्तों उस म्यूज़िक को आपको डालना भी है और कॉपीराइट ना आए तो क्या करना होगा, तो सिंपल स्टेप है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को फॉलो करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर दबाइएगा। अगर आप नहीं दबाइएगा तो हमारा जो एफर्ट है वो एफर्ट नहीं दिख पाता। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं और आप लोगों को सिखाते भी हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग क्या करना हो, जब आप म्यूज़िक को यूज़ करते होंगे तो एक एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन में हमेशा डाल के रख ले, मोसिस एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को जब आप डाल के रख लेते हैं तो आपको फ़ायदा यही मिलता है कि आप कोई भी म्यूज़िक को यूज़ कर सकते हैं, आप कॉपीराइट नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे के बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ उसका, म्यूज़िक का कॉपीराइट नहीं आता। तो मोसिस एप्लीकेशन है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ये मोसिस एप्लीकेशन है, मैंने इंस्टॉल कर लिया ऑलरेडी, इसको लॉगिन कर लिया। तो इसको लॉगिन कैसे करना है दोस्तों, जस्ट आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, मोसिस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा, डाउनलोड करने के बाद ओपन करना होगा और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ही आपको अपना ईमेल आईडी से डाल करके लॉगिन कर लेना है। वो चलिए मैं आपको कैसे डाउनलोड होगा वो आपको लास्ट में बताऊंगा, तब तक समझते हैं और सीखते हैं। तो मोसिस एप्लीकेशन ये है और देखिए स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा, पूरा सिखाऊंगा दोस्तों, बस वीडियो को बने रहिएगा। तो ये देखिए हमारा जो म्यूज़िक आ चुका है और यहाँ पर ही जब हम ऑलरेडी सेलेक्टेड कर चुके थे तो यहाँ पर ही म्यूज़िक आया है। तो यहाँ पर ही हम कोई भी एक म्यूज़िक को ले लेते हैं, तो देखिए हमारे एक म्यूज़िक ले लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम एक म्यूज़िक लिए, आपका गैलरी में है तो यहाँ से ऐड का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से ऐड भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका गैलरी में मिल जाएगा, स्टोरेज में मिल जाएगा, क्लाउड में मिल जाएगा, ठीक है। या आप वॉइस से भी रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें भी कॉपीराइट आ सकता है, कोई भी आप गाना यूज़ करते हैं तो उसमें भी कॉपीराइट आ जाता है, क्योंकि उसका गाना आप सॉन्ग गा रहे हैं तो वो कॉपीराइट आपके वीडियो पे आ सकता है। तो चलिए इसको हटाना कैसे, तो अब हम इसको वीडियो को पूरा आपको प्ले करके सुनाते हैं। तो दोस्तों क्या है कि पाँचों चीज़ यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, वॉइस, ड्रम, पियानो, गिटार और म्यूज़िक, ये तीनों चीज़ अगर रहेगा तो मतलब पांचों चीज़ अगर रहता है तो अगर इस पांचों चीज़ का कोई भी एक म्यूज़िक को अगर आप ले लेते हैं तो उसमें कॉपीराइट आ जाता है। मगर अब जब कॉपीराइट नहीं आएगा तो आपको क्या करना होगा कॉपीराइट ना आने के लिए, तो पहले आपको म्यूज़िक हम सुना देते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें मतलब वॉइस भी आ रहा है, इसमें ड्रम है, म्यूज़िक का सारा चीज़। तो अब हम इसको क्या करना है कि अगर हमको म्यूज़िक इसका लेना है तो क्या करना होगा आपको, तो इसको म्यूज़िक को, उसका वॉइस जो है उसको साउंड को हटा देना होगा। तो देखिए अभी हम प्ले कर रहे हैं, मतलब इसका जो गाना गा रहा है वो गाना को मैंने हटा दिया। अब क्या करना है दोस्तों आपको, अब फिर से हम प्ले करते हैं, अब इसका म्यूज़िक को या ड्रम को हटा देते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने ड्रम को भी हटा दिया और दोस्तों यहाँ पर ही तो दोस्तों देखा कि मैंने इसको टोटल चीज़ को चेंज कर रहा हूँ, रेक्टिफिकेशन कर रहा हूँ, मतलब टोटल चीज़ को मतलब अप एंड डाउन कर घटवा दे रहा हूँ, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर दे रहा हूँ, ज़्यादा कम बेसी कर दे रहा हूँ, साउंड है कम, आप जब गाना गाता है तो गाना को भी आप क्या कर सकते हैं, तो आप गाना को भी हटा सकते हैं गाना। तो इतना तो म्यूज़िक आपको समझ में आ गया हो कि कैसे आपको म्यूज़िक पे कॉपीराइट ना आएगा, क्योंकि दोस्तों जब इसको अप एंड डाउन कर देंगे ना तो ये एक्चुअल जो म्यूज़िक होता है उसी म्यूज़िक पे कॉपीराइट आता है। आप जब इसको ऊपर नीचे अप एंड डाउन कर देते हैं तो उसमें म्यूज़िक का जो कॉपीराइट है वो आने का बहुत कम चांसेस रहता है। तो दोस्तों जब आने का कम चांसेस जब रहेगा म्यूज़िक पे तो आपका कॉपीराइट नहीं आएगा। तो आप ऐसे करके दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी म्यूज़िक को हटा सकते हैं। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो इसको होम बटन जाना है, प्ले स्टोर में जाना होगा आपको, प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर के बाद दोस्तों यहाँ पर ही आपको मोसिस लिखना होगा, MOIS
मोसिस। तो बस यही एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना और ईमेल आईडी डाल के इसको लॉगिन कर लेना। सिंपल स्टेप है दोस्तों, यही चीज़ आप करके फॉलो कर करके आप अपना किसी यूट्यूब में भी वीडियो अपलोड कर सकते हो, फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम में भी। तो इसमें म्यूज़िक पे कॉपीराइट नहीं आएगा, ये हम आपको गारंटी देके बोलते हैं। अब जब बस अच्छा से आप एडिटिंग कर लें और आपका कॉपीराइट नहीं आएगा। समझ में आ गया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आप तक मिलते रहे। और इस वीडियो मतलब इस एप्लीकेशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डायरेक्ट वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया प्ले स्टोर से, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।